अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ खैर खैर चौंक। फ्रेंड्स, इस वक्त जो हो रहे हैं डेढ़ का टाइम है दोपहर के, और सुबह से बारिश बूंदाबांदी शुरू हुई है, कभी तेज़ हो रही है तो कभी, यानी कि मूसलाधार बारिश है। इसने ज़मीन को अंदर तक गीला किया हुआ है, ठीक है। तो पहले मेरा इरादा था, मुझे ड्रॉप ऑफ करने के लिए जा रहा था मेरा बाइक बाइक पर, तो अभी जो है मैं कज़न को बुलाया, उनकी गाड़ी है, तो कज़न मुझे स्टेशन तक ड्रॉप ऑफ करेगा। साथ साथ लोकेशन चेक कर रहे हैं गाड़ी की, कितनी लेट है ट्रेन। इंशाल्लाह अभी फिर थोड़ी देर में निकलते हैं, 5-10 मिनट में हम निकल जाएंगे टेंट की, सॉरी स्टेशन की तरफ, मेलसी स्टेशन की तरफ। साथ में व्लॉगिंग भी शुरू करेंगे। अभी बाहर का व्यू आपको दिखाता हूँ, अपने घर के बाहर का, घर का भी दिखाता हूँ कि बारिश के बाद कैसी कंडीशन है, ठीक है। ये देखें फ्रेंड्स, बारिश के बाद ठीक है कुछ ऐसा हो गया माहौल, मैं बाहर भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, पौधे बर्ड्स को मैंने कवर अप किया हुआ है, ठीक है। और फ्रेंड ये देखें, मैं अभी गेट से बाहर आ गया हूँ, ठीक है। हमारा जो इलाका है वो रेतला है, तो यानी कि वहाँ पानी इतना रुकता है। वो सामने ऊंची जगह पे देखें, वो पक्की मट्टी वाली जगह है, तो वहाँ देखें कीचड़ है, ठीक है। लेकिन जो रेतला इलाका होता है ना ऐसा, ठीक है, उस पर बारिश आएगी तो पानी होगा, जब रुकेगी तो पानी ख़त्म हो जाएगा। अब ये पानी भी जो है, जैसे ही बारिश रुकेगी ये पानी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पक्की जगह है वहाँ पानी का असरात नज़र आएंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। मैं आपको पूरी गली का व्यू कराता हूँ, ठीक है। इस तरफ पक्की मट्टी है, देखें कीचड़ कीचड़ हुआ है। तो दुआ करें बस मैं पहुंच जाऊं स्टेशन तक, फिर इंशाल्लाह पहुंच ही जाएंगे आगे कराची। दुआ में याद रखें, हमारे लिए भी दुआ करें जी। तो गाइस फाइनली, ठीक है, हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, मेरे साथ है मेरे कज़न, ठीक है, यासर सरफराज, तौकीर, इकराम भाई, ठीक है। इकराम भाई किधर गए भाई, ये रही है। और आगे दो कज़न हैं, ड्राइवर भाई काशिफ, ड्राइवर भाई मुबशर और काशिफ, और मेरा बेटा छोटा भी साथ में है, ठीक है। आज हम बहुत लेट निकल रहे हैं, दुआ करेंगे हम पहुंच जाएं टाइम पे, नहीं तो ट्रेन उड़नछू हो जाएगी जी। तो फ्रेंड ये देखें, बारिश के बाद कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं पंजाब में, ठीक है। ये बारिश भी अभी समझ लो मूसलाधार थी, लगातार नहीं हुई, यानी कि कभी स्टार्ट होती है तो कभी रुक जाती है। और रोडों के हालात जो हैं वो आप देख सकते हैं, ऊपर से नॉन लीग की हुकूमत कहते हैं कि इन्होंने पंजाब में बड़ा काम किया है, बस वहाँ पे अपना काम किया इन्होंने, जहाँ पे इनके अपने MPA MNA वगैरह हैं, ठीक है, बाकी इलाकों में ये काम नहीं करते, ठीक है। अभी ये जो हलका है, ये लास्ट टाइम जो है, अभी लास्ट टाइम वो PTI का बंदा जीता था, जो इन्होंने बेईमानी करके हरा दिया, और उससे लास्ट टाइम भी PTI का बंदा जीता था, उन्होंने काम शुरू कराया इसी रोड पर आगे, और नॉन लीग ने बंद करा दिया था। ये देखें फाइनली फ्रेंड्स, हम बारिश में आ गए हैं भाई, सारे के सारे गाड़ी से उतर गए हैं, ठीक है। हसन, हसनैन, तौकीर, हमारे ड्रामा भाई शेर, और इनका यूट्यूब चैनल है बैग मेरा, ओ मैं बैग चाउल दाल बैग ना ला। फ्रेंड्स अभी स्टेशन में एंटर होते हैं। फ्रेंड ये देखें, 1923 का रेलवे स्टेशन है मेलसी, अंग्रेज़ दौर का। इसकी हिस्ट्री, इसके जो जिस साइड से ट्रेन आती है उस तरफ लिखी हुई है, ठीक है। ये देखें, ठीक है, बड़ा खूबसूरत सा व्यू मेलसी स्टेशन का। और इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने स्टेशन मस्जिद है, सामने बार एसोसिएशन है, अदालतें हैं, ठीक है, ठीक है जनाब। ये देखें, ये देखें फ्रेंड्स, बारिश की वजह से आज जो है स्टेशन पे काफ़ी चहल पहल है, ठीक है। यहाँ पे बारिश कम है लेकिन वहाँ पे ज़्यादा थी हमारी तरफ, ठीक है। मैं आपको स्टेशन का व्यू चेक कराता हूँ, काफ़ी रश है, स्टेशन अंदर भी रश है, बाहर भी, ठीक है। आज काफ़ी लोग आए हुए हैं, ठीक है, अपने प्यारों को चढ़ाने के लिए, कुछ जो है यहाँ लाहौर की गाड़ी का वेट कर रहे होंगे, ठीक है। 1923 का रेलवे स्टेशन है मेलसी रेलवे स्टेशन। अभी गाड़ी आएगी तो उसको मैं कैप्चर करता हूँ, सिग्नल गिरा हुआ है, ठीक है, गाड़ी आने वाली है। बस फाइनली मैं पहुंच ही गया, दुआ की वालदा ने और आप लोगों की दुआओं और अल्लाह के फजल से माशाल्लाह से अभी मैं पहुंच ही गया। काफ़ी लेट निकले थे, 2:25 का टाइम था, गाड़ी बारिश की वजह से लेट है, ठीक है। इस वक्त दोबारा बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी है, आप चेक करें, 38 डाउन फ्रीद एक्सप्रेस अराइवल ऑन मेलसी रेलवे स्टेशन, ठीक है। गाड़ी काफ़ी लेट है, हम भी काफ़ी लेट थे, लेकिन बस ट्रैकर की वजह से हम पहुँच गए, अदरवाइज़ मैं लेट ही था आज, ठीक है, कि मैं यहीं का यहीं रह जाता, ठीक है। आप देख सकते हैं 38 डाउन फ्रीद एक्सप्रेस,
और बारिश अभी भी हो रही है, आप देख रहे होंगे वीडियो में भी, ठीक है। बस दुआ करेंगे अल्लाह ताला खैर खैरियत से पंजाब से कराची की तरफ ले जाए। ये गाड़ियाँ आ चुकी है स्टेशन की हद में, ठीक है। ये देखें फ्रेंड्स, 38 टाउन फ्री एक्सप्रेस लाहौर टू कराची अराइवल ऑन मेलसी रेलवे स्टेशन। इसका जो लोकोमोटिव है वो है 4565। अभी ये चेक करते हैं GMU है ये HMU है, ठीक है। फोर फाइव GMU 20455 लोकोमोटिव के साथ फ्रीज एक्सप्रेस अराइवल ऑन मेलसी रेलवे स्टेशन। ठीक है फ्रेंड, ये देखें पाँच नंबर 4-5। ये देखें फ्रेंड्स, फ्रीज एक्सप्रेस प्राइवेट गाड़ी है ये, एके पे ये गाड़ी, ठीक है। ये देखें फ्रेंड्स मेलसी रेलवे स्टेशन का व्यू। फ्रेंड्स इस वक्त गाड़ी है समरसेट स्टेशन पे, फ्री द एक्सप्रेस 37 अप जो कि सुबह दोपहर में जाती है, यानी कि सुबह यहाँ से गुजरती है, वो डिब्बे छोड़ के जाती है, क्योंकि वो डिब्बे जो हैं शुरू से 1 से लेके 3 से या 4 तक जो नंबर होते हैं वो खाली हो जाते हैं, उनकी बुकिंग समरसेट पे ख़ाली हो जाती है। और जो 38 डाउन फ्री द एक्सप्रेस जो कि लाहौर से कराची वापसी जा रही होती है, ठीक है, लाहौर वाली गाड़ी जो है वो वापसी जो डिब्बे वो 37 अप छोड़ के जाती है सुबह में, और डिब्बे दोबारा अपने साथ लगा के वापसी कराची ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ इनकी बुकिंग फिर यानी कि समरसेटा से आगे वही होती है, समरसेटा लियाकतपुर रहीमिया का मुबारकपुर, ठीक है। फिर जो है इस तरह से वो बुकिंग जो है, बुकिंग में जो लोग होते हैं यानी कि वो आगे की जो जिन्होंने ली हुई होती हैं टिकट्स, वो फिर उन डब्बों में चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अभी ये इंजन आ रहा है, पहले मैंने आपको आने का भी इसका व्यू दिखाया था, 4565 इसका इंजन नंबर है, GMU 20 है, ठीक है, लोकोमोटिव GMU 20 4565 इंजन नंबर, ठीक है। अभी ये जो है आएगी और ये साथ में क्या कहते हैं वहाँ से डिब्बे लगाएगी, डिब्बे लगा के फिर जो है ये इंजन वापसी लग जाएगा इस गाड़ी पे, ठीक है। देखें अभी इंजन वापसी जा रहा है और वो जो डिब्बे हैं वो देखें दूसरा इंजन ला रहा है इसके, वो डिब्बे जो हैं इसकी लाइन पे सेट करके फिर ये इंजन जो है वापसी हमारी ट्रेन पे लग जाएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, वो देखें फ्रेंड्स दूर, और डिब्बे जो पीछे आएंगे, अभी पीछे आके फिर जो वहाँ पे लगेंगे, ठीक है। ये देखें इंजन अब दूसरी लाइन पे जा रहे हैं, वो डिब्बे वापसी इस गाड़ी के साथ अटैच किए जाएंगे, ये जो सामने फ्रीज हमारी खड़ी हुई है यहाँ पर अटैच करेंगे, अटैच करने के बाद ये गाड़ी यहाँ पानी भर के 25 मिनट के स्टॉप के बाद निकल पड़ेगी कराची के लिए। फिर जो है रात को बड़ा स्टॉप होगा वो होगा रोड़ी के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स फाइनली मैं कैंट पहुंच गया हूँ कराची, अल्लाह के फजल करम से और आप लोगों की दुआओं से, ठीक है। क्योंकि जो है मौसम वहाँ भी ख़राब था, यहाँ भी बारिश का मौसम बना हुआ है। रास्ते में मैं सोया था, लाउस पे भी नहीं उठा, रोड़ी पे भी नहीं उठा, और हैदराबाद पे भी सोया हुआ था, ठीक है। इस वक्त जब फाइनली मैं कैंट पहुंच गया हूँ, अभी बाहर जाते हैं, सवारी पकड़ते हैं और कल घर जाते हैं कमरे पे। उससे जाने से पहले ब्लॉग का करता हूँ एंड, दुआ में याद रखिएगा, फिर मान लीजिएगा।